इसके अंदर डाला है कुछ? अभी तो कुछ नहीं डाला। तो मुझे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि डॉक्टर ने बताया कि लंग इन्फेक्शन है। वालेकुम अस्सलाम। पूरा बचपन मेरी दादी के हमने यूज़ किया। अभी तो ये पंखा ये जी सब आ रहे हैं अभी चाय के लिए ऊपर। तो ये लास्ट मिनट एक दावत उनकी प्लान हुई है, कड़क चाय। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज मदर्स डे है। वैसे तो हम लोग मदर्स डे पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर दिन मदर्स डे है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी अपनी माँ को इस दिन दे देते हैं कि उनको एक फूल ला के दे दें, तो वो लफ्ज़ मोहब्बत के उनसे बोल लें, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कर लें, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो फिर मैंने भी अपनी अम्मी जान के लिए, अम्मी जी मैं कहती थी उन्हें, उनके साथ मदर्स डे हमने मनानी शुरू की। उनको ले जाते थे कहीं, कोई खाना खा लेते थे कहीं, हम कुछ फूल लेके चले जाते थे फादर्स डे मदर्स डे। तो जी मैं भी माँ हूँ। ईमान ने इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट लगाई और उस पर इतना प्यारा मैसेज मुझे लिखा, मेरे साथ कोई 8-10 पिक्चर्स लगाई, और शी वॉज़ थैंकिंग मी फॉर एवरीथिंग, फॉर ब्रिंगिंग हर अप सो वेल, और पता नहीं क्या क्या। बेटी इतनी बड़ी हो गई है, सबसे छोटी बेटी, और हया ने विश किया, नबीहा ने विश किया, और अनिया का आप जानना चाह रहे होंगे तो मैं अनिया का आपको दिखाती हूँ। आज लाइट नहीं है यहाँ, सुबह से कोई मेजर फॉल्ट हुआ हुआ है, तो मुझे 3-4 दफ़ा उठना पड़ा जनरेटर के लिए। कोई दरवाज़े पे था, क्योंकि राहिब की भी आज छुट्टी है, तो मैंने उठ के जनरेटर ऑन किया, क्योंकि हया और ऊपर गर्मियों, हमारा तो UPS भी नीचे बंद हो गया, तो इस वजह से फिर एक बेल बजी, तो बेल बजी तो अनिया ने मुझे कुछ भेजा, तो अनिया का मदर्स डे विश मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू अनिया, यू आर मेड ऑफ गोल्ड। खुश रहो, बहुत ही प्यारा है एज ऑलवेज। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने कर लिया है, और जो सुबह की चाय का मज़ा आता है वो पूरा दिन दूसरी चाय में क्यों नहीं आता? आई जस्ट वंडर कि जो सुबह की चाय, मतलब पहली चाय दिन की जो आप पीते हैं, बहुत ही मज़े की होती है, पूरा दिन आपको वो टेस्ट दोबारा नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है? हम दोनों आए हैं इनका CT स्कैन कराने। याया का आज CT स्कैन है, क्योंकि इनका दूसरा ट्रीटमेंट ड्यू है, तो बस हम आज करा के कल रिपोर्ट आएगी, तो कुछ दिन में हम चले जाएंगे लाहौर दूसरा ट्रीटमेंट कराने। डू यू फील बेटर? हेलो, वेटिंग फॉर अ कॉल। यू फील? डर तो नहीं लग रहा आपको? वो कैप्सूल वाली मशीन से डर लग रहा था, सो दिस मशीन इज क्वाइट ओपन। आई ओके? जी जी, जूता उतारे। आई ओके? डर तो नहीं लग रहा? ये कैप्सूल वाली मशीन नहीं है। And just 10-15 minutes, okay? Okay? अच्छा। You're good.
look at me. I'm going to demonstrate this. देखिए इनकी तरफ ये है. Yep. वो कह रहे हैं कि. But don't release until I'll say to you. Okay. Okay. Okay, I'm waiting outside. Can I stay? No, I'm fine. चले ठीक है मैं बाहर ही बैठी हूँ. ओके आया ओके स्माइल ओके आइए जी ऑल डन. यू वांट मी टू रन रन भाग के दिखाए. That's the spirit, mashallah. ये देखें कितना सब्जा है, अच्छा है. लंबे लंबे सांस लें यहाँ पे. वो गाड़ी खड़ी है हमारी आगे. हाँ ये दे देंगे भाई. हम लोग आए हैं अपने क्लब क्योंकि हमारे बच्चे आर अप टू समथिंग. हया नबीहा ईमान तीनों ने कहा है कि जी आप पहुँचें बस हम आ रहे हैं. मैंने आप लोगों से कहा था ना मेरे बच्चे आर अप टू समथिंग. थैंक यू. दे वर अप टू दिस. मैंने कहा सेफ टाइम आप बैरियर के पास जाके टिकट लो. मैं गई और ऊपर आप एंड आई सॉ ब्लैक वीजा आई डिडंट रीड दैट नंबर. मुझे याद आया कि आपने अंजा का ड्रेस वो करवाया था. इतने गए थे आप लोग अंजा का ड्रेस करवाना था. मैं साइड पर मैंने नंबर प्लेट देखा आपकी. मैं हमारी गाड़ी पहले सामने से लेकर आ रही. मैं उसको छोड़ के नीचे भागी हूँ हाइपा के पास. मारवी सीढ़ियों से ऊपर आ रही. मैंने कहा मम्मा आ गई मम्मा आ गई. मैं अंदर गई हूँ. मैंने हाइपा को आवाज़ दे रही हूँ सुनी नहीं रही. खैर फिर हम एस्केलेटर के पीछे छुपे. इतनी देर छुपे आप तो देख ही नहीं रही. आप आ ही नहीं रही. फिर हम जैसे ही मैं निकली हूँ तब आप लोग गए अंदर. बताती हूँ फिर आपकी गाड़ी जब आ रही थी सही है. फिर अब हम एस्केलेटर के नीचे छुपे आप आए ही नहीं. हमने कहा छोड़े हम पीछे से जाते हैं. पीछे से जाने लगे आप वहाँ बैग चेक करवा रही थी. हम फॉरन से आ गए पीछे. फिर हमने आपको रिकॉर्ड किया आप अंदर जा रही हैं. कौन सा इतने गए ये? तो ये हया के ब्लॉग में नजर आएगा सारा. जब मैं आपको बोल रही थी आपने मैंने कहा मम्मा आप बोल रही आवाज़ क्यों नहीं आ रही. मैंने कहा बेसमेंट में आप. बोला कौन सी बेसमेंट में हो. मैंने कहा वो छोड़े आप कितनी देर में आएंगे. आपने बोला 15 मिनट में. अच्छा मेरा ध्यान भी नहीं गया इधर. बेसमेंट तो और कौन सी बेसमेंट. थैंक यू सो मच गाइज. गर्ल्स थैंक यू. गर्ल्स मेरे बच्चों ने मुझे इतना खुश किया. मेरे लिए इतनी मेहनत की है. बहुत मजा आया. अब हम मगरिब पढ़ के निकल रहे हैं यहाँ से घर जा रहे हैं. ईमान ने ऑफर किया है तो रोज बर्तन धो देगी. डिशवॉशर है देखिए इसलिए बोल रही है. नहीं कहने की बात है ये लोग करते नहीं है कभी. ये लोग एक के लिए आप सबको क्यों नीचे कर लिए. हाँ करती है. वैसे ईमान सबसे ज्यादा काम करती है और नबीहा सबसे कम. एक्सक्यूज मी मेरे घर में सारे काम मैं खुद करती हूँ. और चलो लेकिन मैं किताब को अपने हमारा समंदर रह गया और जिन बातों की उनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम उनकी एक न एक खयानत की खबर पाते रहते तो उनकी खताएं माफ कर दो और उनसे दरगुजर करो कि अल्लाह एहसान करने वालों. आम आ गए हैं जी. आम कैसे दिए आम और कौन से आम है. आम सिंगड़ी है सरवली है अनवर एठोल है लंगड़ा है. अनवर एठोल कैसा है. अनवर एठोल अच्छा है. ये अनवर एटोल कहाँ देसी वाले. नहीं नहीं ये सीन वाला अनवर एटोल अच्छा वाला है. अभी तो पहले सीन वाला आम शुरू होता है. ये कैसे दिए. ये 350 रुपये. ये हरा हरा ना हो पीले पीले मुझे नहीं, निकाल नहीं, दे पीले पीले तो नहीं है सर. अभी नया नया पहले दिन हमारा अभी लगाया हुआ है. अब से शुरुआत कर दूंगा. अच्छा हाँ। और वो जो है सिंदड़ी वो अच्छी सिंदड़ी है वो जूस बनाने वाला है. मीठा है कि नहीं है.
बस सही है, पहले से सही है। अच्छा कौन सा आप बताएं कौन सा लो? अभी तारीफ किसी का भी नहीं कर सकते है, खा मखा बस अठराई किलो ले लो बस। अच्छा चले ये दे दे मुझे अच्छे अच्छे निकाल के, 3 किलो दे दे अभी। हाँ। आम आ गए हैं जी, खुशबू तो अच्छी आ रही थी, अब खा के पता चलेगा, क्योंकि जो हरा आम होता है वो उसमें खटास होती है, सिवाय उसके जैसे वो लंगड़ा जो होता है हरा होता है मगर वो मीठा होता है, लेकिन जैसे अनवर अटोल है वो पूरा पीला होता है। तो देखते हैं आम खा के, इस दफ़ा आम के लिए थोड़ी डाइट करनी पड़ेगी ताकि आम खा सकूं खुल के। एंड चले आपको बताती हूँ कैसा टेस्ट है, अभी घर जाके एक दो काम करके जाती हूँ जी। उस दिन याया का सीटी स्कैन हुआ उनको, तो जो डॉक्टर की परेशानी थी कि कहीं लंग्स में मेट्स तो नहीं है कैंसरस, तो वो पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इन्फेक्शन के लिए आज हम आए हैं पल्मोनरी डॉक्टर के पास। एंड बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। वो जब से उन्हें पता चला है लंग इन्फेक्शन है उसके बाद से वो बहुत परेशान हो गए हैं और बैक एक शुरू हो गई है उनको, तो वो ज़ाहिर है जब बंदा इतनी टेंशन लेता है तो इवेंचुअली वही चीज़ें फिर होना शुरू हो जाती हैं। तो बस मैं उन्हें वहाँ ड्रॉप करके गाड़ी वाले को दे के अभी जा रही हूँ, तो विल गो सी द डॉक्टर, अल्लाह खैर करे जी। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब ने कहा है कि इन्फेक्शन कोई इतना सिवियर नहीं है, सो उन्होंने एक हफ्ते की माइल्ड एंटीबायोटिक दी है, जिसके बाद इंशाल्लाह ही विल बी फाइन। और बाकी जो ने पेन और थोड़ा सा वीकनेस हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज डाइट, उन्होंने कहा डाइट इम्प्रूव करनी होगी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तक तो बहुत तसल्ली हुई है डॉक्टर साहब से मिलके, डॉक्टर इरफान हैं पल्मोनरी डॉक्टर। मेरे भाई और भाभी आए हैं गुजरात से और मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए हैं। रास्ते में वो मेहराबपुर रुके थे जहाँ पे उनके कोई दोस्त हैं उनके पास 2 दिन, तो वो इतनी प्यारी कोई जगह है मुझे बता रहे हैं, तो आई थिंक आई विल आल्सो गो। मेहराबपुर, मामू के दोस्त होते हैं वहाँ, उनके पास इतनी अच्छी ज़मीनें हैं, हर चीज़ लगी हुई है, सब्जियाँ आम, मेरे लिए तो पीस ऑफ हेवन होगी ऑन अर्थ। ठीक हो तुम कैसी हो? कि है इसके अंदर गंदम जाती है और फिर इसको पीसते हैं और यहाँ से इतना अच्छा आम वर्कआउट हो जाएगा, घूमती कैसे? अच्छा और ये छत पे कौन लेके जाएगा? माली। और बेचारा माली सीख ही लेती मामू से। मामू गए? मम्मा प्लीज बस कर दो, यू हर्ट योरसेल्फ। क्यों गए? बस सही है छोड़ दो। वेरी नाइस, गुड जॉब। ये क्या है? इसमें डाल के ना चीज़ें, कोई दाल वाल, तो इसको जब यूं यूं करते हैं तो जो साफ होती इधर आ जाती है, डर्ट सारी इधर आ जाती है। ये किसने बोला? किसने बोला? मैं यही बोलने वाली थी। और ये देखो ये मेहराबपुर वाले जो मामू के दोस्त हैं उन्होंने, मैं यही सुबह को उठ के देखा था मैंने, ये ढोलकी किसकी हो रही है? ढोलों की तो शादियाँ हो गई हैं। ढोलकी नहीं, ये इसके अंदर कोई चीज़ें वीज़ें रखने के लिए, मेहंदी का होता है वैसे ये। और ये छापी रोटी की है, ये उन्होंने खुद बनाई हुई अपने हाथों से। वेरी नाइस, लेकिन मामा ये ढोलकी मेहंदी की होती है। आप लोग अगर सुन रहे हैं तो मैं आपके पास आऊँगी आपसे मिलने, दरख्तों से फल तोड़ने, सब्जियाँ तोड़ने, और बस बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हम लोग वीकेंड फ्री हुआ तो विल प्लान टू कम टू यू ब्लॉग पे, उनके पास वीकेंड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जब होगा तब देख लेंगे। तो बस अब तैयारी करते हैं ओके डिनर की। पुलाव बना है आज कुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह यरहमकुम अल्लाह। यहाँ देखिए, हाँ जी, पंजाब कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया पंजाब में, पूरा एक महीना मौसम बहुत अच्छा था। अभी आजकल जिस दिन लास्ट डे आए हैं उस दिन भी बारिश थी, बहुत मतलब बारिश थी, गर्मी थी, हब्स जैसे नहीं, नहीं 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 कोई हब्स नहीं, बहुत टेम्परेचर नॉर्मल था, रात में भी काफ़ी ठंडी थी। अच्छा था, खूब सब्जियाँ वब्जियाँ फल वल खा के आई हो वहाँ के? बस ऐसे ही पंजाब में, फिर यही तो है ऑर्गेनिक चीज़ें।
हाँ ये तो है जनाब, मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त, वो छज्जा कहते हैं उसे, छज्जा भी आया है, चक्की भी आई है और फ्रेश सब्जियाँ मेहराबपुर से आई हैं, तुरई साथ में, गंदम पिसी हुई, आटा बहुत अच्छा चक्की का, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए आई हैं, मेरियाँ तो मौजा ही मौजा। ऊपर हम आके चाय पियेंगे, मेरा सोना सुखवाल, स्मेलिंग सो गुड। सुखवाल का मंज़र इतना हसीन है कि यहाँ का म्यूज़िक सिलेक्शन भी अलग ही है, तो मैं आपको सुनवाती हूँ, लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसलिए मैडम के गाने जो 80s के, मिड 80s के हैं, पंजाबी और वो जो फिल्मी दौर था, उस टाइप के गाने हम यहाँ लगाते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। Yes, these. ये जो बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, ये है यहाँ का स्पेसिफिक म्यूज़िक, जो हम जब भी सुखवाल में होते हैं तो ये वाला म्यूज़िक चलाते हैं, और उसके साथ जब प्याले में चाय पी रहे होते हैं, नमक वाली और खालिस दूध वाली और लकड़ी पे बनी हुई, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आजकल चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आज हया और तलहा के एक कॉमन फ्रेंड भी हैं, भाई बने हुए हैं शहज़ाद, वो आए हैं वहाँ से, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप आएँ, खाना तो हम नॉर्मली खाएँगे बस जल्दी जल्दी में जो भी हो सका, और उसके बाद चाय मैं आपको ऊपर पिलाऊँगी लकड़ी पे बना के, और साथ में ये गाने होंगे, और चाय के साथ मिठाई मैं लेके आई हूँ रहमत शीरीं से, और मीठे में कुल्फ़ी फालूदा और खीर, और जब कुन्ना मंगाया था तो उसके साथ शीरमाल भी मंगाए थे, तो वो भी थोड़ा शीरमाल ले आएंगे ऊपर चाय के साथ। ये तैयारी है अभी तक, आज का मेरा पूरा दिन बेइंतहा बिजी रहा, बल्कि जब मैं आया कि दवाई लेने गई टाइम मेडिकोज, तो वहाँ मुझे एक बहुत ही अच्छी सी मेरी बहन मिली, तो उन्होंने अपनी बारी भी मुझे दे दी दवाई कलेक्ट करने की, तो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आप में इतनी एनर्जी कैसे रहती है, मैंने कहा जब मैं उठती हूँ और मेरी जो लिस्ट होती है पूरे दिन के कामों की, जा के करने वाले काम, फ़ोन वाले काम, शूटिंग्स के काम, सैलॉन के काम, तो ये सारे काम जब जमा होते हैं और मुझे नज़र आता है, तो मेरे पास एनर्जेटिक होने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि आप अच्छे अच्छे लोगों से मिले, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, और प्लस ये है कि अपने साथ भी टाइम स्पेंड करें, तो वो क्वालिटी और फोकस टाइम होना चाहिए, तो ये ज़रूर करें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा, और कोई वॉक किया करें, फिज़िकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, मेरी तो वैसे ही हो जाती है, मैं तो रमज़ान से पहले से सोच रही हूँ जिम ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरे दिन में कोई टाइम जिम का फिट ही नहीं होता। एक ही चॉइस है मेरे पास कि मैं सुबह उठूँ, 7-8 बजे उठूँ, जिम करके आऊँ, फिर नाश्ता करूँ, फिर बाकी डे प्लान करूं, तो ये मेरे पास एक वाहिद चॉइस है जिसको मुझे करना है अपनी खातिर। आई नो कि अपने लिए, अपने ऊपर बंदे का सबसे ज़्यादा हक होता है,
और मैं अपनी नींद की कुर्बानी देना चाहती हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं ये एक दफ़ा यूज़ टू हो जाऊँ जिमिंग के, क्योंकि आई फील वेरी गिल्टी कि मैं पूरा दिन कामों में लगी होती हूँ और मैं अपने आप को वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ आजकल जो मुझे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है फिज़िकली अपने आप को फिट रखना, दिस इज़ दी ओनली थिंग जो आपको चलता रखेगी। कोशिश करनी चाहिए बंदे को, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, पता नहीं अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है नसीब में। 100 बिस्मिल्लाह, बस अल्लाह खैर के मामलात रखे और हमसे राज़ी रहे बस। यहाँ पे गांव में तंबूड़ियाँ बहुत होती हैं, उस दिन मुझे काटी थी और कल कुलसूम को काटी हैं 2-3। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं आई तो उसने तो मुझे कमीज़ के ऊपर से शोल्डर पे काट दिया और वहाँ से फिर सूज की जगह बहुत इचिंग हो रही थी। तो बहरहाल लकड़ियाँ पता नहीं उसने रखी हैं नहीं रखी हैं, मैं लकड़ियाँ देखूँ और ये पीढ़ियाँ हटाऊँ यहाँ से। दिस इज़ माई इन हाउस विलेज, ये मंजियाँ और अभी मैं चूल्हा जलाऊँगी और चाय का मिक्सचर मैं नीचे से लेके आई हूँ, सिर्फ इसको लकड़ी पे पकाना है और ये लकड़ी हाँ पहले लकड़ी को जला रही है ना। कहाँ है वो लोग रह गए, यही तो सीन देखने वाला ये देखें, जब आप लकड़ी के सामने कुछ बना रहे होते हैं तो मुंह पे जो लाली आती है वो किसी ब्लश ऑन से नहीं आ सकती। बस सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आपके कपड़ों से जो धुएं की स्मेल आती है, बट इट्स ओके, उसकी जो प्लेजर है वो ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों छोटे तुम लोग कह रहे थे ना कि बंद कैसे करते हैं, आग को बुझाते कैसे? मम्मा अभी नहीं बुझानी, नहीं बुझानी नहीं, मैं सिर्फ ये कि चाय ना वो हो। ये पानी लिया, बहुत उबल गई है ये। इस पे मैं गोश्त बहुत देर में गलता है तो इसलिए सिर्फ आलू अंडे दाल कढ़ाई चिकन, उसके लिए भी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए फूकनी। हाँ वो है मेरे पास। चलें जी अब हम चाय पोर करेंगे, चाय रेडी है, चाय पोर करेंगे, चाय निकालेंगे इन प्यालियों में और चाय पियेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है क्योंकि मेरी दादी के पास जब हम गांव जाते थे अपने तो उसमें उस चाय में नमक होता था और लकड़ी की जो महक होती थी बिल्कुल वैसी चाय बनी है। और मैंने ये मलाई भी रखी है ताकि प्यालियों में निकाल के ऊपर मलाई डालें। यार साढ़े 12 मन की अम्मी बर्तन धो रही हैं, मामू तंग नहीं करें, बुरी बात ले आ रही है पानी। अभी खोले ट्राई करें। मुझे तकरीबन आई इट टुक मी हाफ एन आवर टू फाइंड द परफेक्ट, इतनी मैं कंसल्टेशन की या उस सेल्स पर्सन के साथ कि आपके लिए कौन सी मतलब फ्रेश स्मेल कौन सी आपको पसंद आई। मामू आ जाए गुजरात से, बाय बाय जान और बाजी ये आपके लिए मैंने ये लिया, ये आपके लिए। Hopefully thank you, you like I love it, I have it. अच्छा? Yeah. ये आपके पास है? मैं इतनी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। Which one shall I get? So I'm very sorry अगर आपके पास already हो। नहीं नहीं no problem, I don't mind stocking it up.